थोड़ी सी केक ही थोड़ी सी फजी टेक्सचर की बनी है और ऊपर जो क्रस्ट है वो भी एकदम परफेक्ट है और टेस्ट भी एकदम सुपर हेवन है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं इस केक की फजी ब्राउनी की रेसिपी क्या है। सबसे पहले एक ब्राउनी ट्रे या टिन लेंगे, उसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अब यहाँ एक बटर पेपर लिया है मैंने ब्राउनी ट्रे की साइज़ का और उसे अच्छे से ट्रे पर लगा दिया है और ऊपर से ऑयल से ग्रीस कर लिया। अब एक बड़ा बाउल लेंगे, उसमें एक कप खट्टा दही डालेंगे। दही रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और उसे दही में अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए हमारी दही में बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। इस ब्राउनी का टेस्ट मार्केट वाली ब्राउनी से बहुत अच्छा आएगा क्योंकि हम इसमें कोई भी केमिकल प्रिजर्वेटिव्स कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, ये एकदम प्योर इन्ग्रीडियंट से बन रही है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 कप चीनी। चीनी को मैंने पीस लिया है, आप चाहे तो नॉर्मल चीनी भी ले सकते हैं। चीनी और दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1/4 कप ऑयल। ब्राउनी बनाने के लिए मेज़रमेंट जो है वो हमारा परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास मेजरिंग कप्स नहीं है तो आप एक ही कप जो हम चाय के लिए यूज़ करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ हमारा 1/2 कप कोको पाउडर। अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ 1.5 कप आटा। आटे को अच्छे से छान लेंगे। 2 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर। जब तक हम ये इंग्रेडिएंट्स रेडी कर रहे हैं इतने मेरा ओवन जो है वो भी रेडी हो रहा है, प्रीहीट हो रहा है 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट्स के लिए। ओवन की दोनों रॉड्स ऑन रखिए और फैन भी ऑन किया हुआ है। वैसे तो ब्राउनी का मिक्स टेक्सचर होता है फजी और केक की, बट अगर आपको कम फजी चाहिए तो 1/8 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और अगर आपको केक की ब्राउनी ज़्यादा चाहिए, केक की टेक्सचर ज़्यादा चाहिए तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर। यह हमारा बैटर जो है अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप दूध। इस ब्राउनी रेसिपी में बेकिंग सोडा ऐड ना करें, अदरवाइज़ ये हमारा केक फॉर्म हो जाएगा और ये जो हमारी ब्राउनी है वो फजी कम और केक की ज़्यादा बनेगी। यही डिफरेंस होता है ब्राउनी और केक्स में कि हमारी जो ब्राउनीज होती है वो फजी होती है और जो हमारा केक होता है वो थोड़ा फ्लफ़ी टेक्स्चर का होता है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून वनीला एसेंस और थोड़े से चॉको चिप्स। आप चाहे तो वॉलनट्स भी ऐड कर सकते हैं, ब्राउनीज़ में वॉलनट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा ब्राउनी बैटर रेडी है। अब हम ग्रीस ट्रे लेंगे और उसमें जो ब्राउनी बैटर हमने रेडी किया वो पोर करेंगे। मैंने बैटर को ट्रे में लेवल कर लिया है और ऊपर से थोड़े से चॉको चिप्स डाल रही हूँ। अब हमारी परफेक्ट ब्राउनी बनने के लिए रेडी है। 180 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख दिया है मैंने। 20 मिनट्स हो चुके हैं, देखिए हमारी परफेक्ट ब्राउनी बेक होकर रेडी है। मेरे ओवन में ब्राउनीज 20 मिनट में बेक होती हैं। सभी ओवन का टेम्परेचर डिफरेंट होता है इसलिए 15 से 18 मिनट के बाद एक बार ब्राउनी चेक जरूर कर लीजिए। अब ब्राउनी को 2-3 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद ही डीमोल्ड करेंगे। यह मुझे वीडियो कंप्लीट करना था इसलिए मैं इसे कम्प्लीटली ठंडा नहीं कर पाई हूँ, बट आप 2-3 घंटे के लिए अच्छे से ठंडा करने के बाद ही डीमोल्ड करें। हमारी ब्राउनीज एकदम परफेक्ट बेक हो चुकी हैं। अब ये बटर पेपर ईजिली रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमने इसके ऊपर भी ऑयल लगाया था। देखिए एकदम केकी और फजी टेक्स्चर लग रहा है ना। यहाँ मैंने रेक्टेंगुलर ट्रे ली थी ब्राउनीज बनाने के लिए, आप स्क्वायर ट्रे जो मार्केट में मिलती हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये रेक्टेंगुलर ट्रे थी इसलिए मैंने यही यूज़ किया। तो चलिए मैं आपको हमारी ब्राउनी जो है वो कट कर कर दिखाती हूँ। इसके लिए आप या तो नाइफ से कट कर लें या मार्केट में ये स्क्वायर कटर्स मिलते हैं उनसे कट कर लें। इनसे ब्राउनी परफेक्ट शेप की और सेम साइज़ की कट होती है। तो चलिए ब्राउनी कट करते हैं। ये देखिए हमारी ब्राउनी एकदम परफेक्ट शेप की, परफेक्ट टेक्सचर की बनी है। इसी तरह बाकी सभी ब्राउनीज़ को कट कर लेंगे। बहुत सारे लोगों की ब्राउनीज़ जो है वो परफेक्ट नहीं बनती है, एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। यह नो फेल रेसिपी है और मैं हमेशा ब्राउनीज़ इसी रेसिपी से बनाती हूँ और एकदम टेस्टी ब्राउनीज़ बनती है मेरी। अगर आपको यह ब्राउनीज़ की रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कॉमेंट ज़रूर करें और अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दें, बट चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। यह मैंने ब्राउनी को नटेला और हेज़लनट के साथ गार्निश किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।